हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर जेडब्ल्यू नेट के फाउंडेशन चैप्टर चल रहा है मोशन का, और इस चैप्टर का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट टाइम हमने एनसीईआरटी के थ्रू भी इसको कवर किया था, और उसके बाद जेडब्ल्यू नेट के परस्पेक्टिव से हमने इसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से कवर किया, ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा चीजें बाकी नहीं रही है। अब जो बाकी है वो है न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। सो जो भी हमारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स है या मैथ्स है, उनमें आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसको ट्राई करें, ठीक है। और कुछ ग्राफ का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किए थे, और बाकी कंटिन्यू आज देखते हैं और क्वेश्चन कैसे हैं उसके। एक चीज और सिखाऊंगा आपको, ग्राफ का कन्वर्जन, ठीक है ना। वो अच्छा टॉपिक है, आपको एनटीएससी के एग्जाम के अंदर मेनली देखने को मिलेंगे कि आपको एक ग्राफ दे रखा है एक्सटी ग्राफ, आपको बोले उसको एटी ग्राफ के अंदर या वीटी ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करो, या वीटी ग्राफ दे रखा है बोल रहा है एक्सटी ग्राफ के अंदर एटी के अंदर कन्वर्ट करो। सो एक ग्राफ को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो चीज सीखेंगे। उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। सो कल हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, चार पांच जो भी, उसके आगे आप कंटिन्यू करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो सीक्वेंस आपके कंटिन्यू है वही रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, लिखिए द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ। देखो अब ये ग्राफ, ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वाला, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो चुका था, हाइट वाला हो गया था ना। हाइट आपको दे रखी है, और वापस बॉल एच बाई टू तक जाती है, उसका अपने ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो अपने कर लिया था शायद, नहीं उसके आगे वाला ना, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ टी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। हमको फिगर के अंदर बीटी ग्राफ को मिला के दे रखा है, ज्यादा बकवास नहीं करनी फालतू की। और देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड, ठीक है ना। हमको डिस्टेंस पार्टिकल की बोली गई 4 सेकंड के अंदर। सीधी सीधी बात क्वेश्चन की जो समझ लेते हैं कि हमको एक बीटी ग्राफ दे रखा है, और 4 सेकंड के अंदर हमको पार्टिकल की डिस्टेंस पूछी गई, ठीक है ना। चलिए सो इधर दे रखा है टी, ऑब्वियसली बात है सेकंड के अंदर होगा, इधर दे रखा है वी जो कि मीटर पर सेकंड के अंदर होगा, ठीक है। अब आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 0 यहां पे, ये 10, ये 20, ये 30 एंड एंड फोर जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपको टी दे रखा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड, क्लियर। और ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है 20 तक सेकंड 1 के अंदर ही जा रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड जो है वो 0 से लेके 20 तक जा रही है, ठीक है ना। 1 सेकंड के अंदर उसने कितना, उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है 0 से लेके 20 तक, ठीक है। उसके बाद में अगला 1 सेकंड तक फिर से कॉन्स्टेंट स्पीड से गया, मतलब 2 तक, ठीक है। 2 के बाद में इसकी स्पीड डिक्रीज हुई यहां तक आई, ठीक है। उसके बाद में इसकी स्पीड फिर से कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट है, और 4 पे आके ये स्टॉप हो गया एक तरह से, ये इसका ग्राफ। तो ये पार्टिकल का ग्राफ है, नोट कर लीजिए इसको पहले आप। हमको पूछा गया डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले इसको नोट कर ले आप। अब देखिए आपको डिस्टेंस पूछा गया है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस हम बीटी ग्राफ से कैसे निकालते हैं। सो हमारे पास में बीटी ग्राफ है, और हम लोग जानते हैं कि अगर हम वी बाई टी करेंगे तो वी बाई टी मीन्स की स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ विच गिव्स अस एक्सेलरेशन, एंड फॉर डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ये जो एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो भी कर्व दे रखा है वो टी एक्सिस के ऊपर, ध्यान रखें टी एक्सिस के ऊपर जितना आपको एरिया देना है ना, वो हम कहेंगे क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस देना है जो आपको पूछा गया, ठीक है ना। तो ये दो चीजें बार बार मैं लिखा हूँ और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए सो हमको कुल मिला के ये जो गिवन शेप है ना, इसका आपको एरिया निकालना है। सीधी बात करें तो ये कोई रेलगाड़ी जो भी आपको दे रखी है, इसका आपको नहीं पता कि शेप क्या है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं शेप को, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल है बेटा, एक तरह से ये थोड़ा शेप ऐसे हो गया। तो देखिए हमारे पास में क्या क्या चीजें, 3 शेप है ट्राइंगल की सर्विस, ठीक है। एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, 2 ट्राइंगल है, 2 रेक्टेंगल, ठीक है ना। सीधा ये हम निकाल लेंगे। चलिए सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं लिख लेता हूं इसको, मैं नाम देता हूं ए बी सी डी ई एंड ये वाला पॉइंट एफ मान लेते, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, इस पूरे शेप का एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए अब एरिया के लिए हम अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ 1 शेप, 2 सेकंड, 3 एंड 4, क्लियर। चलो सभी का वन बाय वन एरिया निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट वाले का एरिया मैं यहां पे लिखता हूं ए वन। अच्छा फर्स्ट वाली क्या चीज है, 1/20 बेस इनटू हाइट, दिख रहा है सभी को, बेस कितना है 1,
हाइट कितनी है 20, क्लियर। सो हमारे पास में A1 कितना आ जाएगा 10 मीटर। उसके बाद A2 की बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा, जो VT ग्राफ है उसका आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब आप सिंपली जो भी एरिया दे रखा है वो निकालिए। अब एरिया के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो स्मॉल स्लॉट के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। अच्छा सॉरी, सेकंड वाला शेप जो है वो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 1 इंटू हाइट कितनी है 20। सो 1 इंटू 20 20 मीटर। इसी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो 1 इंटू, अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया आप देखिए तो 1 इंटू 20, ये आपको शेप जो दे रखा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको हाइट कितनी सी लेनी है, तो इसकी हाइट कितनी आ रही 20। सो 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 इंटू 20, क्लियर। ये फिर से कितना आ जाएगा 10 मीटर। एंड लास्ट वाला जो फोर्थ वाला शेप बच गया हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बन रहा है, उसके अंदर लेंथ इंटू हाइट ये कितना आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। सो एरिया की बात करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सो हम देखेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 50 मीटर, क्लियर, नोट कर लीजिए। सही किया है, एक मिनट बेटा प्लीज रुक जाइए, 2 मिनट के लिए रुक जाए बेटा। देखो एक हमने गलती कर ली, ये वाला शेप जो आपको दिख रहा है बेटा, ये ट्राइंगल है। देखो अब यहां पे थर्ड वाला शेप ये बनेगा, फोर्थ वाला शेप ये बनेगा और फिफ्थ वाला शेप ये बनेगा। आपने जब हमने ये वाला शेप बनाया ना बेटा, हमको ट्राइंगल दिख रहा था दलवाजी के अंदर, जैसे ये वाला शेप, ठीक है ना, ये ट्राइंगल नहीं है। इसमें ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ये होगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। सो एरिया हम इस तरह से निकालेंगे, आप शेप का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए सो हमारे ये दोनों ठीक है, थर्ड वाला जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा ट्राइंगल का। बस थोड़ी गलती कर ली थी हमने कि भाई ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है ना, सी से डी का स्लॉट, इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल मिल रहा है, सही ना। गलती नहीं करें प्लीज, जल्दबाजी हमने कर ली। A3 की बात करें, सो A3 यहां पे क्या दे रखा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए बेस क्या है 1 और हाइट कितनी है 10। देखो यहां पे हाइट कितनी आ रही, 10 आ रही ना, सो 1 बाय 2 इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा 5 मीटर। अच्छा उसके बाद A4 की बात करते हैं। अच्छा A4 क्या चीज है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना 1 3 माइनस 2 1 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। उसी तरह से A5 की बात करें, A5 = 1 × 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। सवाल उसके क्या है, 1 2 3 4 5, अब लिख देते हैं इसको, 10 20 प्लस A3 आ रहा है 5, A4 आ रहा है 10 इंटू में A5 आपका दे रहा है फिर से 10, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 55, क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं इसको। बस इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखें, गलती हो जाती है तो ध्यान रखें, हो जाती है किसी से भी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये सिली मिस्टेक आप समझिए। कंपटीशन एग्जाम की जो कोर है ना बेटा, वो कोर कंपटीशन एग्जाम के अंदर दिक्कत ये नहीं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चे को सब आता है, लेकिन ये जो सिली मिस्टेक हम करते हैं जैसे हमने जल्दबाजी के अंदर कर ली, ये सिली मिस्टेक हमको बहुत महंगी पड़ती है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ अभी, आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका दिमाग कैसे लगता है, एक लाइन का आंसर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देखना कि हम सिली मिस्टेक किस तरह से करते हैं, आप या मैं कोई भी कर सकता है। कैसे, क्वेश्चन के अंदर नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टी ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टी ग्राफ दे रखा है और हमको बोला है
कि ऑब्जेक्ट की आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। चलिए आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है, आपको बोला है कि आपको क्या निकालनी, वेलोसिटी निकालनी, ठीक है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सटी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सटी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। सो एक्स बाय टी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, एक्स बाय टी करने से वेलोसिटी मिलती है और जो स्लोप होता है, ठीक है ना, स्लोप बोले तो टेन थीटा, ये भी हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब स्लोप की बात करें तो थीटा कितना है, 30 डिग्री का, बच्चा सीधा 30 डिग्री पुट करता है और वैल्यू क्या है आपकी 30 डिग्री की, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बच्चा खुश होता है 1/√3 और ऑप्शन 4 में से एक टिक करके आता है। लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए, यहां चीज ये कि आपको यहां पे ये चीज दिख रही है ना, 30 डिग्री का एंगल बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको किस तरह से दे रखा है, हॉरिजॉन्टल दे रखा है। हम एक्सी ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर आप ध्यान से याद कीजिए कि हमेशा मैंने आपको बोला है कि जब भी हम एक्सी ग्राफ बनाते हैं ना, ये गलती हम आपकी जगह हम भी होते तो कर लेते भाई, ये एक्सटी ग्राफ हमने बोला कि भाई टी एक्सिस के ऊपर ये जो स्लोप बना रहा है ना, वो टी एक्सिस के साथ बनता है, टी के साथ जो एक्सिस के साथ एंगल बनता है या फिर टी के ऊपर जो एरिया अंडर द कर्व होता है उसको हम बाकी सारी चीजों के लिए काम में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन कोई भी हो, ठीक है। तो ये एंगल जितना होता है ना, सपोर्ट लेट थीटा है, उस एंगल को हम काम में लेते हैं यहां पे आपको एक्स के साथ। अच्छा, ये वाले कितना होगा, 90 − थीटा, समझ रहे भाई साहब, ये वाला एंगल आपको दे रखा है, आपको एक्स के साथ में एंगल दे रखा है जो कि नहीं चाहिए हमको। तो हमको स्लोप निकालने के लिए ये बिल्कुल गलत है, ये आपने जो किया ना, ये पूरा ये हमारा गलत है। पहले समझिए गलती कहां हम कर, ये गलत चीज। अब इससे क्या हो, आप 99% बच्चे आप मानिए कि जल्दबाजी के अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम वैसे भी है और वैसे भी हमको बहुत एक सेकंड के अंदर, मानिए एक मिनट के अंदर क्वेश्चन करने होते हैं, एक एक मिनट के अंदर गैप के अंदर, तो बच्चा जल्दबाजी के अंदर हर कोई गलती करता है। 30 डिग्री देखा सीधा आपने किया कि 10 कितना था, 1/√3 ऑप्शन देखिए, और गारंटीड है आपको 1/√3 ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन हमको एंगल कौन सा लेना है, हमको एंगल रिक्वायर्ड है टी के साथ, और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का भाई, 90 डिग्री का पूरा एंगल है, और अगर ये 30 है कितना होगा, 60 डिग्री का। सो हमारा आंसर जो है वेलोसिटी का, वी इज इक्वल टू वो क्या होगा, 10/60, समझे, और 10/60 कितना होता है, √3। सही बात समझ आई आपको, ठीक है ना। सो आंसर इज √3, बस इतनी सिली मिस्टेक, ये गलतियां कॉम्पिटिशन के लिए हमारे जान ले लेती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए कि आपको क्या पूछा गया है। इसी तरह से ये एरिया के साथ भी करता है, सेम क्वेश्चन अगर आपको वीटी ग्राफ के अंदर दे रखा होता और पूछता कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालिए, यहां पे दे रखा होता टी और यहां पे दे रखा होता बी, लेट से पहले आप नोट कर लेना, एक बार नोट कर ले, सपोज यहां पे दे रखा होता बी मीटर पर सेकेंड, अब आपको पूछता है सीधा, ये तरह से ग्राफ दे रखा है और यहां पर वैल्यू दे देगा, ये सपोज दे रखा है 20 मीटर और ये दे रखा है टी आपको 15 सेकंड, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे, और आपको पूछता है कि भाई आप एरिया अंडर द कर्व निकालिए, बच्चा सीधा इस साइड के एरिया को निकलता है, ये वाला एरिया आपको जो एरिया दिख रहा है आप क्या करोगे, सीधा यही एरिया निकालोगे, लेकिन ये एरिया एक्स एक्सिस के वी ग्राफ पे बन रहा है, हमको टी वाले पे निकालना है, हमारा एरिया जो है ना बेटा वो ये वाला है, समझ रहे हो। किसी केस के अंदर सिमिलर बन सकता है, कभी कभी आंसर फ्लू से लग जाता है, लेकिन हमेशा तुक्का लगे जरूरी नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जब तक आप अपनी हम प्रैक्टिस जब करवाते हैं बेटा, मैंने आपको हमेशा बोला कि जब टॉपिक आप स्टार्ट करें तो कोशिश ये करें कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करें और समझें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, चैप्टर किस तरह से काम करता है। स्टार्टिंग के अंदर अगर आप स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हो कि सर 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, ये तो कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, हम ऐसे कैसे, आप 1 घंटा ले क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन 1 घंटा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो ही ले, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आप पहले ही क्वेश्चन के अंदर ब्रूस ली बन लोगे फिर कहां से हो बेटा, ठीक है। चलो, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते और क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन लिखिए, द वीटी ग्राफ शोज द मोशन ऑफ साइकिलिस्ट, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, वीटी ग्राफ दे रखा है फिर से आपको, ठीक है ना। पहले तो ध्यान से देखिए ग्राफ कौन सा दे रखा है, किस एक्सेस के ऊपर क्या चीज दे रखी है, टी हमेशा इधर दे रखा है, इसका तो ध्यान बिल्कुल रखें, प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया वैसे आपने, चमत्कार, तो ये तो हमेशा ध्यान रखें।
अब देखिए t गिवन है आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 20 एंड 25, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी भी आपको दे रखी है 5 10 15 20, क्लियर। अब देखिए आपको इस तरह से दे रखा है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, साइकिल चला रहा है जो बंदा उसके ग्राफ ये दे रखा है, इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड। आपको पूछा गया है कि एक साइकिल चला रहा है बंदा उसका साइक्लिस्ट, उसका ये आपको वीटी ग्राफ दे रखा है। आपको पूछा गया है फर्स्ट चीज डिस्टेंस निकालनी है और सेकंड बात निकालनी है एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस तो हम निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। आपको वीटी ग्राफ दे रखा है तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि वीटी ग्राफ हमको किन किन चीजों की जानकारी देता है। पहली बात तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है, आप एरिया कहां से कहां तक, अब ये जो टी जा रहा है ना वो 20 तक ही जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमको भाई बी बाई टी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और हम बी इंटू टी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। बी बाई टी करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, बी इंटू टी करेंगे तो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां से हम आगे चीज बढ़ेंगे कि भाई पहला हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ ये वाला, ये रेक्टेंगल आपको दे रखा है, नाम दे देते हैं ए बी सी और ये वाला पॉइंट डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, ठीक है ना। टी एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ कर रहा है मतलब ये वाला पार्ट का एरिया निकल रहा है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं। सो एरिया इज इक्वल टू बोलेंगे तो ये लेंथ कितनी आ रही है, हाइट कितनी आ रही है, 20 इंटू में 20, तो 20 इंटू में 20 करेंगे आपका कितना आ जाएगा 400 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया 400 मीटर, नोट करें इसको, फिर इसको एरेज करता हूं। चलिए ये हमने डिस्टेंस जो निकाला वो 20 सेकंड के लिए निकाला, हमको क्वेश्चन ने पूछा है 15 सेकंड के लिए, तो ये निकालिए एक्स्ट्रा कोई बात नहीं। दूसरा डिस्टेंस फॉर ये लिख लेना यहां पर, डिस्टेंस फॉर 20 सेकंड। दूसरा हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर 15 सेकंड जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया। अब 15 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालने तो क्या करेंगे सर, तो 15 सेकंड वाला स्लॉट लेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे ये वाला लेंगे, ठीक है ना। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसको नाम देता एबीसीडी दिया था ना, सो ए बी ई एफ डी, ठीक है। दो ग्राफ बनाने पहले वो और फिर ये, ठीक है। अब देखिए यहां पे कितना आपका लेंथ कितना, हाइट कितना रहा, 20 इंटू 15 ये करेंगे कितना आ जाएगा 300 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी डिस्टेंस जो आपको पूछी गई वो ये कि हमने एक्स्ट्रा निकाला तो आप 300 मीटर की डिस्टेंस आ गई, नोट करें इसको। अच्छा इधर वाला मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखिए अब हमको जो तीसरी बात पूछी गई है सेकंड बात क्वेश्चन के हिसाब से वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए भाई v / t करना है, v / t, अच्छा v मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अब यहां पे स्लोप की बात जो कहानी है ना वो कैसे समझते हैं, स्लोप मतलब कि एंगल, और एंगल भी कौन सा जो कि t एक्सिस के साथ बनता है। तो कोई भला दिन लोग ये बताए बेटा आप में से कि ये t एक्सिस है, इसके साथ में ये वाली लाइन जो जा रही है वो एंगल कितना बना रही है, ये t एक्सिस है, इसके साथ में ये वाली लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, जीरो डिग्री का। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हम मैथ्स में बहुत बार बोल चुके हैं कितना होता है, जीरो डिग्री का। मतलब ये स्लोप आपको स्लोप समझ रहे ना भाई, स्लोप कैसे होता है कि भाई लाइन ऐसे होती तो कुछ एंगल होता, ऐसे होती, ठीक है ना, किसी भी तरह का एंगल हो सकता है। लेकिन आपको यहां पे अगर ऐसे दे रखा है तो इस एक्सेस के ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। मतलब स्लोप यहां पे क्या आ रहा है, जीरो। अच्छा इससे क्या पता चला सर, देखो स्लोप क्या है, जीरो डिग्री, ठीक है ना। स्लोप इज इक्वल टू टेन जीरो डिग्री की बात करें कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अच्छा स्लोप हमारा कितना आ गया, जीरो। ये तो हमने न्यूमेरिकल मेथड से समझा कि स्लोप जीरो आ रहा है, ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा। अब जो रियल लाइफ में आप समझे कि भाई ये पार्टिकल बीटी ग्राफ दे रखा है और पार्टिकल आपको नेचर कैसा दिख रहा है,
कि भाई पार्टिकल की एक आप देखिए 1 सेकंड के ऊपर स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, 2 पे 20 मीटर पर सेकंड, 10 पे 20 मीटर पर सेकंड, 15, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्पीड पार्टिकल की चेंज नहीं होगी। तो एक पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसका वीटी ग्राफ को दिख रहा है भाई कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, और एक पार्टिकल की स्पीड अगर कॉन्स्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है, जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। जब भाई वी भी वी है और यू भी वी है डिवाइड बाई टी करेंगे क्या आएगा, जीरो। तो आपने प्रैक्टिकल मेथड भी देखा, इसका जो न्यूमेरिकल मेथड है और प्रैक्टिकल भी हमको पता चला कि भाई इसका एक्सेलरेशन कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है ना। कोई बच्चा देख के बता सकता है और आप प्रूफ भी कर सकते हैं यहां से कि भाई स्लोप जीरो दे रखा है, सो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। क्लियर, नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। इस बार आपको फिर से एक वीटी ग्राफ दे रखा है, चलिए आपको वीटी ग्राफ को जिस तरह से दे रखा है, ये 1 से यहां से स्टार्ट होता है, फिर स्लॉट दे रखा है 3, 5, 7, यहां पे जा रहा है मैक्सिमम 10 तक, और ये स्टिफनेस इस ग्राफ की पहला स्लॉट, उसके बाद में 3 से लेकर 5 तक कांस्टेंट स्पीड है उसकी, और 5 पे आके उसने स्पीड को डिक्रीज करना शुरू किया 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 0 से नहीं है, 1 से लेकर 3 तक इसका जो स्लॉट है ना वो इस तरह से आ रहा है, ये 1 है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, आप समझ लीजिएगा, और 5 तक, और 5 के बाद में इसने अपनी स्पीड को रैपिडली ऐसे कम कर लिया, ठीक है ना, बना ही देता हूं लाइन सीधी नहीं बन रही है, देखो क्या करें बताओ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला शेप, सेकंड और थर्ड। आपको पूछा गया वीटी ग्राफ है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द गिवन वीटी ग्राफ, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 2 सेकंड टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, वीटी ग्राफ दे रहे थे आपको, दो डिस्टेंस निकालनी है, एक तो लास्ट के 2 सेकंड के अंदर डिस्टेंस निकालिए और पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या पूछा गया है, फर्स्ट पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 2 सेकेंड, एंड दूसरा वाला पूछा गया है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। ये दोनों निकाल के दोनों का रेशियो निकालेंगे, पहले दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, इसको नोट करें फिर यही कर लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर ले पहले। ये ग्राफ है वीटी ग्राफ 10, और ये ध्यान रखना स्लॉट 1, 3, 5, 7, चलिए पहले लास्ट के 2 सेकंड के अंदर निकाल लेते हैं। अब लास्ट के 2 सेकंड की बात करें, मतलब एरिया A3 में सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना, A3 मतलब आपको जितने स्लॉट के लिए पूछा गया, आपको ऐसा पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि 3 से लेकर 7 सेकंड तक का आपको डिस्टेंस निकालना है, भाई पार्टिकल हवा होगा तो उसकी 3 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक जितना उसने वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गया उसकी आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, तो सिर्फ इसका लेंगे। अगर आपको 3 से 5 के लिए पूछे इसका निकालेंगे, 1 से 3 के लिए पूछे इसका निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया लास्ट के 2 सेकंड के लिए, मतलब 5 से लेकर 7 के लिए, 5 से लेकर 7 का शेप जो है वो क्या बनना है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना है 5, 7 - 5 करेंगे कितना आएगा 2, इनटू में 0 से लेकर 10 तक, मतलब 10 कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो पहला हमारा आ गया जो हमको पूछा गया लास्ट के 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर का। अब निकालते हैं कि भाई यहां से लेकर 1 से लेकर 7 तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 + A2 + A3। चलिए A1 की बात करते हैं, A1 क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना दे रखा है 2, इंटू में हाइट कितनी आ रही 10 प्लस
ए टू की बात करें, ए टू रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, बेस 2 इंटू हाइट 10, सही। उसी तरह से इसका भी एरिया क्या होगा, लास्ट वाला शेप ए थ्री का 1/2 × 2 × 10, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, और ये कितना हो गया 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर। अब देखिए 40 मीटर हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई, और लास्ट के 2 सेकंड के डिस्टेंस कितनी आई है 10 मीटर, ठीक है। हमको निकालना था डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड, ठीक है ना, तो उसको मैं लिखता हूं d2/d1 dt मान लीजिए, मतलब आपको रेशियो पूछा गया है लास्ट के 2 सेकंड में डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, तो मैंने उसको d2/dt लिखा है, ठीक है। लास्ट के 2 सेकंड डिस्टेंस कितनी है 10, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो रेशियो कितना जाएगा 1/4। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि d2/dt = 1/, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी घुमाया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आपको जैसा क्वेश्चन पूछा गया आप ऐसा करें। अब आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि 3 से 5 के शॉर्ट में निकालिए डिस्टेंस पार्टिकल की, तो आपको सिर्फ इसको कवर करना है, ऐसा नहीं कि आप हर बार पूरा डिस्टेंस निकालें, पूरे जो ग्राफ दे रखा है उसका एरिया निकालें, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, जिस प्लॉट का पूछा गया उसी का निकालें, ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे, थैंक यू।